आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस आदमी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जब अपने आप पे विश्वास नहीं होता इंसान, तो हमेशा लगता है कि सामने वाला श्रेष्ठ कर रहा है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। और आत्मविश्वास के लिए क्या है कि हम पीछे की विंडो में सबसे पीछे की रहते हैं। खेलना है तो खेलने में आगे दर्शक भी गाना बन के हम उसमें आगे आने की ज़रूरत है। हम सरल अपने आप पर विश्वास करें। आत्मा जब पॉजिटिविटी के साथ मिल जाती है तो परमात्मा बन जाती है, और आपके रोम रोम में परमात्मा हैं। हमें उसको विश्वास नहीं है तो अब उसको परमात्मा को काम करने दें, उसको आगे आने दें। परमात्मा आगे ही होता है, हम उसको पीछे ना रखें। हम नहीं करने वाले, परमात्मा कर रहा है आगे। ये समझ के कि मैं खेल रहा हूँ तो मैं नहीं खेल रहा, परमात्मा खेल रहा है। आगे आओ, खेलो, गाना तो खुल के गाओ, नाचना तो खुल के नाचो, और प्रत्येक कार्य को खुल के करो, समझो, जानो। 100% आप सब कुछ कर सकते हो, वो शक्ति आप में है। और फिर कुछ काम करने लगते हो, छोटा छोटा काम करके सफल करने लगते हो, तो आपको लगता है ये छोटा सा काम नहीं, मैंने कर दिया, वाओ मैं कर दिया, मैं गा लिया, मैं नाच लिया, तो यू गॉट द कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस। अपने आप में कभी भी भय, संकोच, मृत्यु है। जीवन हमेशा आगे परम पे, आगे श्रेष्ठ में लगे रहने पे ही जीवन है। जितनी भी नेगेटिविटी है मृत्यु है, और पॉजिटिविटी अमृत है। अपने आप को क्यों विश्वास नहीं करते कि मैं नहीं हूँ? अरे आपके अंतस में जो जीवन है, जो नेचर का हिस्सा है, आपके अंदर हवा है, पानी है, सब परमात्मा के ही अंश हैं, और सारी शक्तियों से लबालब भरे हुए हो। खाली अपनी मिट्टी को उठाने की ज़रूरत है कि मैं नहीं कर सकता। आप नहीं कर सकते, परमात्मा है आपके पास में, उस पर छोड़ दो ना, सरेंडर कर दो, सरल हो जाओ, सहज हो जाओ, और पूर्ण उसको करने दो, आगे बढ़ो, नाचो, गाओ, और जो चीज़ बोलना चाहते हो बोलो, अपने आप को निकालो, लिखो, जो लिखना चाहते हो पढ़ो, वो पढ़ना चाहते हो, जितना पढ़ोगे, लिखोगे, समझोगे, गाओगे और सबको सुनोगे, समझाओगे, उतना आप आगे बढ़ पाओगे। और सफलताएं क्या आपको हर चीज़, आत्मविश्वास क्या आप आत्मविश्वास से लबालब भरोगे, क्योंकि कोई चीज़ आपने कर ली तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, मैंने कर ली, नाचे, गाए, लिखे, स्विमिंग कर ली, आपको कॉन्फिडेंस आया, घुड़सवारी करी, मैंने घुड़सवारी कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, किताबें विताबें सब लिख सकते हो, आप प्रत्येक चीज़ कर सकते हो, क्योंकि आपके अंतस में वो परम शक्ति है, परम ज्ञान है, परम विज्ञान है। लेकिन हमें अनुभव नहीं हो पाता उस पर, हम क्योंकि विश्वास नहीं कर पाते। तो धीरे धीरे काम, छोटे छोटे काम करो, और उस पर लगनता से करो, उसको समझो, जानो, आत्मविश्वास आता चला जाएगा। आत्मविश्वास अपने आप को जानने का ही एक साधन है, और उसको रूपांतरित करने का ही साधन है। और इसको करो सरलता, सहजता से। कभी ये विश्वास करो कि मेरे पर परमात्मा या किसी, मेरे पर अविश्वास है, आप पे विश्वास है, आप करो, और आप अपने आप को एक ही क्षण में बदल सकते हो। इसी क्षण, कल कभी नहीं आता, इस क्षण में भूत में मेरे क्या हुआ, जो हुआ श्रेष्ठ हो गया। अब उसको एनालिसिस करके श्रेष्ठ को निकालो, उसके एसेंस को निकालो, और आगे क्या होगा, श्रेष्ठ होगा, इस क्षण श्रेष्ठ कर डालो। आलस्य की जगह कर्मठता में आ जाओ, अप्रेम से प्रेम में आ जाओ, अंधकार से प्रकाश में आ जाओ। हमारा जो सबसे बड़ा आत्मविश्वास आने के लिए ज़रूरी है कि मैं अपने आप को जानूं। मैं आत्मविश्वास क्यों नहीं है, क्यों नहीं आत्मविश्वास है? आपके अंतस में क्या कमी है? आपको परमात्मा ने बनाया हुआ है, पूरी शक्ति है परमात्मा की, पूरा प्रेम परमात्मा का है। आपके कार्य बस परमात्मा को, बस खाली जैसे कार्य परमात्मा के होते हैं, वो कार्य करने में लीन कर लो अपने आप को। अरे विश्वास करो, एक बार नहीं होंगे असफल होंगे, दूसरी बार असफल होंगे, तीसरी बार होंगे, चौथी बार 100% सफल होंगे। बस सच्चे नियत के साथ, सत्यता के साथ, शुद्धता, सरलता, प्रेम के साथ उसको धारण करते चलाओ। यही परमात्मा का आशीर्वाद, आनंद स्वरूप मिलने लगता है। जब आनंद भी मिलेगा तो आत्मविश्वास भी आएगा।